जय हिंद मेरे प्यार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा जानते हैं कि आप लोग भाई देखिए मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव भिन्न और भिन्नों की तुलना, भाई दोनों क्या हुआ भाई समाप्त हो चुका है, क्योंकि जितना बताया गया अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्न आपके बन जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग लेके चलेंगे भाई सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी आपका एक प्रश्न बनता है और प्रश्न बेहद आसान होता है, बस आप नियम को फॉलो करें। नियम कौन सा होता है भाई? बोर्ड मास का नियम आप जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन में होता है, उसको अगर आप फॉलो कर गए तो आपका प्रश्न क्या होगा भाई बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है आपका सिंप्लीफिकेशन उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए सरलीकरण से भाई स्टार्टिंग होगा आज। सरलीकरण, सरलीकरण क्या है? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी देखिए लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कई तरीके के प्रश्न हैं, तो आप इसको कायदे से पढ़ना, शुरू से अंत तक बताएंगे, जहां तक आपका एग्जाम में बनने लायक रहेगा प्रश्न वो सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम क्या है? देखिए बोर्ड मास के नियम पर ही ये पूरा पाठ आधारित होता है। बोर्ड मास का नियम का मतलब है बी ओ डी एम एस। देखिए ये क्या है, बोर्ड मास का नियम है। देखिए बोर्ड मास का नियम का मतलब ये होता है कि ये क्रम एक बताता है कि हमको कैसे इसको हल करना है, कैसे इसको हल करना है प्रश्न में अगर आएगा तो। जैसे बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है भाई ब्रेकेट। क्या होता है? ब्रेकेट होता है। अब ब्रैकेट में देखिए ब्रैकेट में तीन ब्रैकेट है, कौन कौन सा? एक होता है भाई छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। एक होता है मझला ब्रैकेट, जिसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। क्या होता है? तो कहेंगे कर्ली ब्रैकेट। एक होता है भाई बड़ा ब्रैकेट। क्या होता है? तो बड़ा ब्रैकेट। यहां पर इसको बना दे नीचे। एक होता है आपका बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तीन ब्रैकेट होते हैं। अब ब्रैकेट में भी अगर प्रश्न सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से हल करते हैं, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। अब देखिए ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब देखिए प्रश्न में कभी कभी इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे, ऑफ लिख देते हैं, या इसी को भाई हिंदी में कहेंगे तो का कहेंगे। क्या कहेंगे? का। प्रश्न में ऐसे का लगा के दे दिया गया, या इसी को भाई का मतलब अब क्या होगा, यहां पर का मतलब होता है गुणा। क्या होता है भाई? गुणा होता है। ठीक है, डी का मतलब क्या भाई? डिवाइड यानी भाग। क्या हो जाएगा? भाग। इसका मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माने क्या हो जाएगा भाई? गुणा। यहां पर क्या लिख दे तो कहेंगे गुणा। आगे ऐड, ऐड मींस क्या होगा भाई? तो कहेंगे जोड़। जोड़ मतलब प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यस, यस का मतलब क्या है भाई? तो सब्ट्रैक्ट है। कितना है? तो कहेंगे सब्ट्रैक्ट। इसका माने क्या होगा? तो कहेंगे घटाओ। यहां पर माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई? माइनस का साइन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। चलिए इसको देखें, लेकिन इसके पहले भी एक और होता है पॉइंट, जिसको हम लोग बार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बार। ये क्या है? तो बार का चिन्ह। अगर इनसे पहले इसको हल करना होगा, सबसे पहले बार को, इनके पहले भाई। ठीक है, चलिए देखेंगे इस पर कुछ प्रश्न है और आपको हल करना है भाई, क्योंकि देखिए इस पे प्रश्न पे ही भाई आपको सब कुछ देखना है, किसको सॉल्व करना है पहले। तो सबसे पहले अगर बार का चिन्ह है तो बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट या भाई बड़े ब्रैकेट। अब छोटे ब्रैकेट का मतलब उसमें जो चिन्ह रहेगा उससे सॉल्व किया जाता है भाई। फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 6010 माइनस 6000 भाग्य 10 बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। कैसे? देखें अब सबसे पहले ये नहीं कि हमको माइनस करना है। बोर्ड मास क्या कह रहा है भाई? कह रहा पहले भाग, देखिए जो चिन्ह रहेगा उसी का प्रयोग करना, ये नहीं कि ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट से मतलब नहीं, उसके बाद जो रहेंगे क्रम वाइज उन्हीं को हल किया जाता है। अब आपको ये नहीं कि पहले घटा ले भाई, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? तो कहेंगे भाग करेंगे, भाग के बाद जितना बचेगा तब घटाया जाएगा मान। चलिए हल करें, तो 6010 माइनस 6000
भागे 10, यहां पर कितना, तो 6010 पूरा ऐसे लिखा जाएगा, माइनस है। अब सबसे पहले भाग करेंगे, देखिए भाग का मतलब बटा भी होता है, यहां पर 10 लिखे, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 600, नीचे एक की वैल्यू नहीं होगी, यहां पर आ गया 6010 और माइनस का 600। चलिए घटाएं इसको, तो जीरो में से जीरो गया भाई जीरो, एक में से आप जीरो घटाएंगे तो कहेंगे एक, अब जीरो में से छह जाएगा ना, एक उधार लिया भाई, एक उधार 10, और 10 में से छह गया तो कहेंगे 4, यहां पर एक उधार दिया तो कितना बचा भाई, कहेंगे 5। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 5410। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, वो राइट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, मतलब यहां पर कुछ बच्चे भाई जिसको करना हो, कुछ लोग करते भी हैं, जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे, घटाने के बाद भाग करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है, बोर्ड मास को फॉलो करें जो कह रहा है भाई। अगर भाग कह रहा है, जैसे देखिए यहां पर देखिए, भाग भाग के बाद अंत में क्या दिया है, घटाना, इसका मतलब है सबसे पहले भाग करेंगे उसके बाद किसको, घटाने को करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है भाई 72 भागे 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे, ये देखिए मिश्रित भिन्न है, आप इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए, साधारण भिन्न कैसे चेंज होगा भाई, इसका सही से गुणा करेंगे तो 3 * 1 = 3, और ये जो अंश होता है इसको जोड़ा जाता है, तो 3 * 1 = 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कहेंगे 4/3 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए सबसे पहले क्या है भाई, भाग है, भाग के बाद क्या का चिन्ह है, तो आपको बताया गया कि सबसे पहले का हल करेंगे उसके बाद किसको हल करेंगे, तो कहेंगे भाग को हल करेंगे, कैसे देखे, देखिए यहां गड़बड़ मत करना भाई, भाग 9 है, का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे गुणा होता है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करें, मतलब इसी को आपको सॉल्व करना है, 1/3 प्लस, अब यहां पर 20 में प्लस है तो आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गुणा ऊपर ऊपर से होगा तो 4 * 2 = 8 और नीचे 3 * 3 = 3 तो कहेंगे 9 हो जाएगा भाई। चलिए इसको सॉल्व करें, तो 3 से आप इसको काट सकते हैं तो 3 * 3 = 9 हो जाएगा, कट गया। अब यहां पर बचा भाई 3, 3 से आप भाग कर लीजिए 72 में, तो 3 से भाग करेंगे 72 में, देखिए एक बार लिख दे रहे हैं, भाग का मतलब बटा भी है, यहां पर प्लस कितना हुआ तो कहेंगे 8/9 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करें, तो 3 से भाग करेंगे कितनी बार आ जाएगा, 3 * 2 = 6, 1 बचा, यहां पर लगाए 12 तो 3 * 4 = 12, 24 * 3 = 72 होता है भाई, प्लस 8/9 हो गया, कितना आ गया भाई 8/9 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग तिरिया क्या करेंगे, तो कहेंगे तिरिया किसका गुणा कर ले, पर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, देखिए आपको जोड़ में बताया गया है, तो जोड़ में बताया क्या है, देखिए जोड़ते वक्त अगर अंश आपका हर से कम है, अंश अगर आपका हर से कम है तो डायरेक्ट इसको सही के रूप में लिखे, 24 सही 8/9 उत्तर हो जाएगा, कितना आएगा 24 सही 8/9, लेकिन यहाँ भाई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चौथा ऑप्शन भाई नन हो सकता है नहीं, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा 24 सही 8/9। एक बार फिर से चेक कर लेंगे हम लोग, 72 भागे 9 का 1/3 प्लस 2/3 है, यहाँ पर 3 * 3 = 3, 1 कितना तो कहेंगे यहाँ पर 4/3 हो जाएगा मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें काटे भाई, क्योंकि यहाँ गुणा है, बताया गया कि सबसे पहले भाई भाग नहीं, पहले इसको हल किया जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 * 3 = 9, 3 आया, 3 से 72 में भाग करें तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, गुणा ऊपर ऊपर से होगा, 4 * 2 = 8, 3 * 3 = 9 हो गया भाई, यहाँ पर इसमें भाग किए 24, यहाँ पर इतना, अगर इसको सही देखिए जोड़ करना है तो सही के रूप में 24 सही 8/9 उत्तर आएगा, यहाँ पर ये चारों ऑप्शन क्या होंगे भाई, वो गलत हो जाएंगे, ठीक है, आंसर आपका ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए प्रश्न छोटा ही बनता है लेकिन सिर्फ चिन्ह पर आपको ध्यान देना है, बोर्ड मास के नियम पर चलेंगे तो प्रश्न आपका बेहद आसान होगा। चलिए देखते हैं इसको, देखें यहां पर क्या कह रहा है भाई, 16, यहां पर भाग का चिन्ह है तो भाग गुणे में बदलेगा, तो अंश आपका हर में, हर आपका कहां चला जाएगा, अंश में जाएगा, यहां पर 2 है, 2 ऊपर जाएगा, 1 कहां जाएगा भाई, कहेंगे नीचे आ जाएगा। चलिए आगे देखें, गुणा है तो गुणा ऐसे लिख देंगे 0.5,
अब एक की वैल्यू तो नीचे होगी नहीं भाई, चलिए इसका गुणा करते हैं तो 16 दोनी कहेंगे 32 और गुणे का कितना 0.5, चलिए इसका गुणा कर ले तो 5 दोनी 10 की 0 हासिल एक और 5 की आई 15, 15 एक कितना होगा भाई कहेंगे 16, लेकिन दशमलव यहाँ पर एक अंक पर है तो दशमलव यहाँ भी एक अंक पर लग जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब उत्तर यहाँ पर कितना हो जाएगा तो कहेंगे 16 आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 16, और कौन सा ऑप्शन सही होगा तो कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई वो राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए इसमें क्या है, ये भाई आपका क्यूब रूट से है, यहां पर 247 गुणे 247 गुणे 247 माइनस 137 गुणे 137 गुणे 137 पूरे का बटा 247 गुणे 247 प्लस 247 गुणे 137 प्लस 137 गुणे 137। देखो इसको करना कैसे है भाई, अब अगर आप इसका गुणा करोगे तो कितना लेंदी जाएगा, आपको वो चीज नहीं करना, आपको सीखना है जल्दी प्रश्न को बनाना है और एग्जाम में प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बनता है भाई। ठीक है देखिए इसको कैसे करना है, देखिए 247 कितनी बार है कहेंगे 3 बार है, अगर हम 247 को मान ले ए, यहां पर अगर हम लिख दें 247 क्या है भाई कह दे ए है, जो 137 दिख रहा है कह दे बी है, अब बी का मान कितना है तो कहेंगे 137। देखिए अगर इसको हम गुणा करेंगे तो गुणा करते भाई टाइम लग जाएगा, 5 से 10 मिनट में आएगा लेकिन भाई टाइम टेकन हो जाएगा, तो आपको वो नहीं करना क्योंकि समय इतना मिलता नहीं है, ज्यादा ज्यादा 30 सेकंड 35 सेकंड इतने के अंतर्गत भाई अंदर ही हमको समय में करना होता है। अब जल्दी कैसे होगा इसको देखें, देखिए 247 को ए माने हैं 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं ए की घाते 3, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं, माइनस 137 को बी मान ले तो बी है 3 बार है तो कहेंगे बी की घाते 3 पूरे का बटा, यहां 247 दो बार है तो कहेंगे ए स्क्वायर, फिर प्लस 247 को ए माने हैं, 247 को क्या माने भाई ए, उसके बाद 137 से गुणे में इसको बी माने हैं तो बी लिख दिए, प्लस 137 दो बार है तो इसको हम लिख दिए बी स्क्वायर। देखो भाई फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रेकेट में, अगले ब्रेकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है पूरे का बटा, नीचे क्या है तो कहेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। देखिए ये ब्रेकेट, देखिए ये वाला ब्रेकेट और ये नीचे पूरा सेम सेम मिल रहा है, इससे ये क्या हो गया भाई कहेंगे कट जाएगा, तो बचा कितना कहेंगे ए माइनस बी, अब ए माइनस बी बचा हमको मान चाहिए तो ए का मान क्या माने थे भाई 247, तो यहां पर रखना होगा 247 और बी का मान कितना 137, घटाएं इसको तो 7 में से 7 गया तो कहेंगे 0, 4 में से 3 गया तो कहेंगे 1 और 2 में से 1 गया तो कहेंगे 1 हो जाएगा भाई, इसका मतलब आंसर कितना होगा तो कहेंगे 110 आ जाएगा, कितना होगा भाई 110 और कौन सा ऑप्शन सही होगा कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या है भाई वो राइट हो जाएगा। लेकिन अब आपको इतना बड़ा भी देख के नहीं कर रहा है, ये तो हम आपको बताए पूरा कॉन्सेप्ट सही मतलब क्या है इसका, अब आपको यहां पर दिखे भाई 3 का रूल बन रहा है, मतलब क्यूब बन रहा है 3 का, अगर यहां माइनस दिखे तो डायरेक्ट घटा दो भाई, क्या करेंगे डायरेक्ट यहां पे घटा दे, यही इसे घटा दीजिए दोनों लेके, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, उत्तर कितना आ गया 110। अगर यही प्लस का चिन्ह रहा तो दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, और माइनस रहा तो क्या करेंगे भाई घटाएंगे और डायरेक्ट आपका क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 2 की घाते 60, 3 की घाते 48, 4 की घाते 36 तथा 5 की घाते 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कि 2 की घात 60 बड़ा है कि 3 की घाते 48 कि 4 36 कि 5 की घाते 24 में से कौन सा बड़ा है, चलिए इसको देखेंगे। 2 की घाते 60, 3 की घाते 48, 4 की घाते 36, 5 की घाते 24, इसमें ऐसी एक संख्या ले भाई जिससे भाग करे और सब में चला जाए, कहेंगे 12 के पहाड़े में सब चले आते हैं भाई, तो 12 सब में क्या करिए घात में 12 से भाग कर दीजिए, क्या करेंगे देखो घात को छोटा बनाया जाता है, छोटा कैसे बनाएंगे
ऐसा देखे कोई संख्या जो इसमें कॉमन हो तो कहेंगे 12 के पहाड़े में सब आता है। इसका मतलब आपको इसमें क्या करना है भाई, घात को छोटा बनाएंगे तो कहेंगे घात में 12 से भाग कर दें, 12 से भाग कर दें, क्या कर दें भाग, ठीक है 12 से भाग करें क्योंकि सब में मतलब 12 के पहाड़े में सब आएंगे, ठीक है चलिए 12 से भाग करें तो कहेंगे 12 × 5 = 60। यहां पर देखिए इसको अगर बराबर करेंगे तो क्या होगा, बल चौक 48, यहां पर 12 × 3 = 36, यहां पर कितना तो 12 × 2 = 24 हो गया। मतलब आपको घातों को छोटा बनाना है। अब इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घाते 12, मतलब यहां 2 की घाते 5 के होल घात कितना 12, यहां पर 3 की घाते 4 का होल घात 12, मतलब वहां पर घात क्या रहेगा भाई समान रहेगा, उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है चलिए 2 की घाते 5 का मतलब है 2 का गुणा 5 बार करना, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, और देखिए 5 ही बार करना तो करेंगे कितना आएगा, कहेंगे 32 आ जाएगा। 3 की घाते 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = कितना कहेंगे 81, 4 की घाते 3 का मतलब 64, और 5 की घाते 2 का मतलब 25 हो गया। अब आपको बताना सबसे बड़ा क्या है, तो आप देखिए सबसे बड़ा क्या है भाई, कहेंगे 81 है, और 81 किसका मान आया तो कहेंगे 3 की घाते 48 का आया भाई। तो सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या हो जाएगा आपका मान कहेंगे 3 की घाते 48, और विकल्प कौन सा भाई तो कहेंगे दूसरा क्या होगा राइट होगा। छोटा पूछा जाएगा तो सबसे छोटा 25 है, 25 किसका है तो कहेंगे 5 की घाते 24 का हो जाएगा, ठीक है चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है पहले देखिए छोटे ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को सबसे पहले हल करें, 35 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर करें, उसके बाद दोनों का जोड़े, जोड़ने के बाद आपको कह रहा है भाग, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद भाई भाग, चलिए देखिए क्योंकि बाहर है ब्रैकेट से। देखिए 35 का स्क्वायर कितना होगा भाई, देखिए स्क्वायर आपको निकालना सिखाए हैं 35 का और 38 का, यहां फिर से देख लेना 35 का बताना है और 38, जिसके अंत में 5 हो उसको हमने बताया है कि कैसे किया जाता है जल्दी, जैसे 5 × 5 = 25, 3 में 1 जोड़े बताया गया, 1 संख्या बढ़ा ले, 3 में 1 = 4, 4 + 3 = 8 तो 12, 35 का स्क्वायर कितना आया तो कहेंगे 12 × 25 आ गया, 12 × 25 प्लस 38 का स्क्वायर, देखें 38 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए हमने आपको लाइनिंग पर बताया था कि आगे वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कहेंगे 9 और 8 का स्क्वायर कितना कहेंगे 64, फिर इनका क्या करते हैं अंकों का गुणा करके इसका डबल करते हैं भाई, तो 8 × 3 = 24, इसका घात से गुणा करें तो 24 × 2 = 42, यहां पर इसको लिखेंगे और बताया आखिरी का अंक खाली छोड़ा जाता है, जोड़े इसको 4 × 6 = 8, यहां 9 × 4 कितना तो कहेंगे 13, यानी 38 का स्क्वायर हो जाएगा 1384, यहां पर लिखेंगे 1384। फिर भाग कह रहा भाई तो भाग क्वेश्चन मार्क बराबर कितना तो कहेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है इन दोनों को जोड़े तो 5 × 4 = 9, 8 × 2 कितना भाई तो कहेंगे 10, 10 की 0 = 1 हो जाएगा, यहां पर 3 × 2 = 5 = 1 हो जाएगा, यहां पर 1 × 1 कितना तो कहेंगे 2 हो जाएगा, यानी जोड़ कितना आया 26 × 0 = 9। अब देखिए भाग है, भाग कहां बताया गया कि भाग बटे में आ जाता है भाई, यहां पर लगा दिए क्वेश्चन मार्क, बराबर कितना है तो कहेंगे 5 बटा 1 करें और तिर्यक गुणा करें, अगर इसका आप तिर्यक गुणा करेंगे तो कहेंगे क्वेश्चन मार्क गुणे 5 और इसका एकम से करेंगे तो 26 × 0 = 9। अब ये गुणे में मान है इधर किस में जाएगा कहेंगे बटे में जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 26 × 9 / 5। चलिए भाग करें इसको, देखिए भाग करेंगे इसमें कितना 5 से आपको करना है भाई, देखिए इसको चलिए यहीं पर साइड में कर देते हैं भाग इसको, तो यहां पर हो जाएगा 26 × 9 / 5, तो 5 × 5 = 25 घटाएंगे तो 1, यहां पर 0, यहां पर हाँ भाई एक मिनट यहां पर देख लिया जाए, 38 का स्क्वायर है, 38 का स्क्वायर कितना 5 × 5 = 25 और यहां पर 4 × 3 = 12, 38 का 1 मिनट यहां पर देख लेंगे हम लोग, फिर से 3 का स्क्वायर 9 और 8 का कितना तो कहेंगे 64 हो गया, यहां पर 8 × 3 = 24 और 24 × 2 = कितना तो कहेंगे 48 होगा भाई,
यहाँ पर इसका जोड़ 4, 8, 6, 14 की 4 हासिल 1 और यहाँ पर कितना 9, 4, 13, 1, 14 यहाँ पर कितना आएगा मान भाई? तो कहेंगे यहाँ पर मान आ जाएगा 14, 44 आएगा। कितना आएगा? तो कहेंगे 14, 44। ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया भाई, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर फिर से इसको देखें, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ें, चले इसको जोड़े तो 5, 4, 9 यहाँ पर कितना होगा? तो 4, 2, 6 यहाँ पर 4, 2, 6 और यहाँ पर कितना? 1, 1, 2, 26 इतना आएगा भाई। यहाँ पर एक कम से करेंगे तो ये उतर जाएगा और यहाँ भी यही मान। चल इसमें भाग करना कितना है? तो 26, 69 से करना है भाई, किसमें? 26, 69 में करना है। चलिए देखते हैं इसको, 26, 69 5, 5, 25 घटाए तो 1 यहाँ पर 6 5, 3, 15 घटाएंगे तो 1 उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 9 भाई फिर 5, 3, 15 यहाँ पर कितना तो कहेंगे 4 देखिए दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा तो 5, 8, 40 हो जाएगा इसका मतलब आंसर कितना आ गया तो कहेंगे 533.8 और कौन सा ऑप्शन कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई वो राइट ठीक है यहाँ 38 का स्क्वायर कितना होगा भाई 1444 हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई ये तो जोड़ से संबंधित है देखिए इसमें क्या दिख रहा है 999 प्लस देखिए 999 हर जगह दिख रहा है और कितनी बार दिख रहा है तो आपको हमने जोड़ बताया था जोड़ में सिखाया है कि जो भी सही के रूप में रहेंगे सबसे पहले उन्हें हम जोड़ लेंगे अब इसका जोड़ करना है भाई 999 जोड़ करना है लेकिन ये है कितनी बार चाहे आप लिख के करें चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं देखिए सब में 9 क्या है तो कहेंगे कॉमन है और है कितनी बार 999 तो कहेंगे कितना 1, 2, 3, 4, 5 5 बार है तो 5 से क्या करें 999 में गुणा कर दें इसका योग हो जाएगा प्लस लगाएंगे देखिए यहां पर आपको दिख रहा हर क्या है 7, 7, 7 सब में दिख रहा हर समान है जब हर समान रहता है तो अंश क्या होते हैं भाई जुड़ जाएंगे उसके तो यहां पर 1 + 2 + 4 + 5 + कितना है तो कहेंगे 6 है ये सभी क्या हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे चलिए इसको गुणा करें सबसे पहले तो 5 से करें तो 45 की 5 हासिल 4 फिर 9 + 5 = 45 उसके बाद भाई कितना 4 जोड़ दे 49 की 9 हासिल 4 हाँ उसके बाद भाई 9 + 5 = 45 45 + 4 कितना तो 49 यहाँ पर पूरा लिख उठेगा ठीक है मतलब 5 से किए तो 45 की 5 हासिल 4 फिर 45 + 4 = 49 की 9 हासिल 4 फिर 45 + 4 जोड़ दे कितना भाई 49 हो गया प्लस यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे तो 3 और 4, 3, 7 7, 5 कितना हो जाएगा भाई तो कहेंगे 12 और 12, 6 तो 12, 6 कितना तो कहेंगे 18 यहाँ पर मान कितना हो जाएगा भाई मान कितना होगा 18 हो जाएगा एक मिनट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3, 3 यहाँ पर कितना हो गया भाई तो कहेंगे कितना हो जाएगा 7 और 7, 7, 5 कितना तो कहेंगे 12 हो जाएगा और 12, 6 कितना तो 18 हो जाएगा यहाँ पर 18/ कितना तो कहेंगे 7 आएगा यहाँ पर मान शायद मिस है क्या भाई मान क्या है इसमें देखेंगे इसको पहले एक बार फिर से देख लिया जाए क्योंकि हर समान है तो अंश आपके क्या होंगे भाई जुड़ेंगे 1, 2, 4, 5, 6 है भाई ठीक है इसका आंसर अगर देखें तो इसमें आंसर भाई ये क्या हो जाएगा विकल्प जो है इसके सब गलत है विकल्प इसके सही नहीं होंगे चलिए देखते हैं एक मिनट फिर से इसको इसका अगर योग करेंगे तो देखिए अंश आपका हर से क्या होना चाहिए भाई कम होना चाहिए अंश जो है आपका हर से क्या होना चाहिए तो कहेंगे कम होगा इसका मतलब होता है यहां पर सबसे पहले अंश को कम बनाओ तो 7 से भाग करें तो 7 का पहाड़ा 18 में कितनी बार जाएगा कहेंगे 2 बार जाएगा भाई कितनी बार जाएगा 2 बार क्योंकि 7 × 2 = 14 अब 18 में से आप 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा कहेंगे 4 बचेगा कितना बचेगा भाई 4 नीचे हो गया चलिए इसको जोड़ते हैं अब अंश आपका हर से कम है तो आप सही वाले को इसमें जोड़ सकते हैं इसका जोड़ आ जाएगा कहेंगे 49 + 97 होगा भाई कितना हो जाएगा 49 + 97 हो जाएगा सही 2/ कितना तो क्या सॉरी 4/ कितना तो कहेंगे 7 हो जाएगा यहाँ पर विकल्प भाई जो है वो क्या है रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर आंसर कुछ
अलग आ रहा है, ठीक है। 49 97 सही 4/4 कितना आएगा, कहेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चारों ऑप्शन क्या होंगे, वो गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए यहाँ पर क्या है, बार का चिन्ह है। बोर्ड मास के नियम में बताया हमने सबसे पहले किसको हल करेंगे, तो कहेंगे बार को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं इसको। तो 10 माइनस यहाँ पर है 6 माइनस यहाँ पर 7 माइनस यहाँ पर 6 माइनस 8 में से देखिए, चलिए लिख देते हैं यहाँ एक बार, उसके बाद घटाते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे हम लोग। 6 माइनस 7 माइनस यहाँ पर 6, 8 में से 5 गया तो कहेंगे कितना आ जाएगा भाई, 3, क्योंकि सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। चलिए 10 माइनस यहाँ पर 6 माइनस यहाँ पर 7, देखिए यहाँ पर 6 में से 3 गया तो कहेंगे 3 आएगा, कितना आ गया भाई, कहेंगे 3 आ जाएगा। अब मझले ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे, देखिए एक एक ब्रेकेट सॉल्व करते चलते हैं भाई। माइनस 6, 7 में से 3 गया तो कहेंगे 4, यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट लग गया। आगे देखेंगे 10, यहाँ पर कितना 6 में से 4 गया तो कहेंगे 2, क्योंकि घट ही रहा भाई। अब 10 में से 2 गया तो कहेंगे 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्लस उसके बाद बड़े ब्रेकेट में 1 भागे फिर मझले ब्रेकेट में 5 भागे 4 माइनस 1 भागे फिर 13 भागे 3 माइनस 1 भागे 3, ऐसा कह रहा प्रश्न में। चलिए भाई देखते हैं इसको। 1 प्लस 1 भागे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या है भाई, देखिए भाग आप लगा सकते हो, भाग को बटे में लिख सकते हैं 5/4, फिर माइनस 1 है, इसके बाद अब इसको नहीं सॉल्व करेंगे। भाग यहाँ पर क्या है, फिर छोटे ब्रैकेट में 13, देखिए भाग का मतलब फिर से क्या लगा दे भाई, तो क्या बटा होता है 3, माइनस यहाँ पर 1 है तो 1, भाग का मतलब क्या, तो कहेंगे बटा। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 प्लस भागे यहाँ पर 5/4 माइनस का 1 भागे, देखिए दोनों का हर क्या है भाई, तो कहेंगे समान है, देखिए हर दिख रहा है समान, तो अंश आपका ऐसे उतर जाएगा 13 माइनस 1 हो जाएगा। चलिए इसको यहां बड़ा ब्रैकेट से क्लोज करें इसको। तो 1 प्लस 1 भागे 5/4 माइनस 1, यहां पर देखें 13 है, 13 में से 1 गया तो कहेंगे 12 आएगा, तो 12/ कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 12/3 हो जाएगा। यहां पर फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं भाई, आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 1 भागे 5/4, देखिए स्टेप बढ़ाया जा रहा है बस भाई, आगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ा पड़े तो कहेंगे 3 चौक 12, 4 बार गया तो यहाँ पर 1 है, 1 भाग किस में आएगा बटे में, तो जो 4 है यहाँ पर लिख दे नीचे आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करें इसको। तो इसको कुछ इस तरह से लिखे भाई, 1 प्लस 1 भागे, यहाँ देखिए दोनों का हर क्या है भाई, कहेंगे समान है, जब हर समान है तो आपका अंश से ये घट जाएगा, तो 5 में से 1 गया कहेंगे 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 4 आ जाएगा। आगे देखिए इसको, यहाँ पर 1 प्लस देखिए 4 से 4 काटे तो कहेंगे 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया 1 भागे 1। देखिए अगर 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 आ जाएगा, और 2 कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे सेकेंड ऑप्शन क्या है वो मिल रहा है, यही आपका क्या है राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए इसको यहां पर क्या कह रहा है मान भाई, सबसे पहले देखिए गुणा है, ऊपर गुणा करें उसके बाद यहां भी है माइनस के लिए कह रहा है। चलिए गुणा करते हैं, तो 8 और 24 का गुणा करना है, तो 8 चौक 32 की 2 हासिल कितना, कहेंगे 3 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 3 कितना, कहेंगे 19 हो जाएगा। माइनस यहां पर एक मिनट, हाँ 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, और 8 दूनी 16 3 19 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 12 ग्राम में कितना होगा, तो कहेंगे 132 आया, पूरे का बटा भाई 16 नवैया कितना, तो कहेंगे 144 आ गया, यहाँ पर भाग 7 5 कितना, तो कहेंगे 12 हो गया।
आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए घटाने के लिए कह रहे हैं तो घटाए, दो में से दो गया तो जीरो, नौ में से तीन गया तो कहेंगे छः, और एक से एक पूरा घट गया साठ आ गया। यहाँ पर 12 से 44 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, कहेंगे 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बरामदे 144, 12 से भाग कर दे तो कितना आ जाएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, और राइट आंसर कौन सा आपका सेकंड हो जाएगा। देखिए इसमें स्टेप वाइज किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखिए अभी इस पर और प्रश्न है, अभी बहुत सारे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में लेके चलेंगे। तो आप लोग जितना देखिए बोर्ड मास नियम को फॉलो करें और आप इस पर लगाएं सवाल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।